रेस्ट डे के बाद रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी शामिल हुए। 60वें दिन कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर हैंडल पर यात्रा का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी प्रशांत भूषण का हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम भी दिखाई दिया। तो वहीं पार्टी सूत्रों ने बताया कि अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए संघर्ष करने वाले संगठन मंडिगा आरक्षण परोटा समिति के नेता मांडा कृष्ण मंडिया भी आज सुबह मेंढक जिले के अलादुर्ग से यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना चरण 7 नवम्बर को सम्पन्न हो जाएगा। इसके बाद पदयात्रा का सोमवार से महाराष्ट्र में चरण शुरू होगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंचने के बाद नेता राहुल गांधी 10 और 18 नवंबर को राज्य में 2 रैलियां को संबोधित करेंगे। 7 सितंबर को कन्याकुमारी शुरू हुई यह यात्रा 7 नवंबर को शाम 7 बजे पड़ोसी राज्य तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर में मदनूर नाका पहुंचेगी। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थरोटा ने कहा कि राहुल गांधी के दौरान महाराष्ट्र में 2 रैलियां को संबोधित करेंगे। वह 10 नवंबर को नांदेड़ जिले में पहली रैली को संबोधित करेंगे, जबकि 18 नवंबर को बुलढाणा जिले के छेंग गांव में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रवेश होने के बाद पदयात्रा 14 दिन की अवधि के दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। महाराष्ट्र राज्य के 5 जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 20 नवंबर को यह यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। सोमवार शाम को नांदेड़ पहुंचने के बाद अगले दिन सुबह 6:30 बजे जिले के देगलूर बस स्टैंड से यात्रा फिर से शुरू होगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि नांदेड़ जिले में 4 दिन तक यात्रा चलेगी। इसके बाद 11 नवंबर को हिंगोली, 15 नवंबर को वाशिम, 16 नवंबर को अकोला और 18 नवंबर को बुलढाणा जिले में प्रवेश करेगी। बाला साहेब थरोटा ने महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। नांदेड़ जिले का दौरा करने वाले थरोटा ने कहा कि राज्य में इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांग्रेस का अन्य नेता ने कहा कि यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों की 100 से अधिक मुख्य हस्तियां भी शामिल होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने 9 नवंबर को पैदल मार्च में हिस्सा लेने की भी संभावना है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने महाविकास अघाड़ी की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यात्रा में राकांपा और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को शामिल करने की योजना बनाई है। वीडियोडेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।